नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पंजाब की मशहूर हस्तकला फुलकारी की प्रदर्शनी शुरू हो चुकी है। 3 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने किया। उन्होंने कहा कि फुलकारी केवल हस्तकला ही नहीं है, बल्कि ये पंजाब के भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। फुलकारी इज स्पेशल नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हैंडीक्राफ्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स इमोशनल, सोशल and cultural value which is extremely rare. Confined to women in Punjab and Haryana, I would rather also add the United Punjab which is now in Pakistan. So tradition is still prevailing there and in our part of Punjab. So it's a real vivid depiction of the world of women in the region. फुलकारी पारंपरिक कशीदाकारी की एक कला है जो पंजाब और हरियाणा में बेहद लोकप्रिय है। इन राज्यों की करीब 3 लाख महिलाओं को फुलकारी के जरिए रोजगार मिलता है और इस कला में महिलाओं की सृजनशीलता कूट कूट कर भरी होती है। पंजाब की परंपरा रही है और ये कभी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं बनी थी, ये सिर्फ कल्चरल और इमोशनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी। क्यों, जैसी बच्ची पैदा हुई तो माँ और दादी नानी फुलकारी बनाना शुरू कर देती थी और हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग फुलकारी थी। सूट बनाते हैं, साड़ियाँ हो गई, बेड कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, जैसे आजकल के फैशन से जैसे जैकेटें बन गई, कोई भी चीज़ बनवा लो, कटिंग करके से हर एक चीज़ बन सकते हैं, जेंट्स कुर्ते, लेडीज कुर्ते ऐसे बन जाते हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में फुलकारी की प्रदर्शनी के मौके पर उन कलाकारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। निशांत सौरभ, DD News, दिल्ली।